हेलो फ्रेंड, आज हम मैनुअल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम घर पर कैसे बीपी ले सकते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन से तो काफ़ी लिया होगा और लेते रहे होंगे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब भी बीपी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करेंगे, एक बार यूज़ करेंगे तो जो बीपी जो रीडिंग आ रही है उसकी बात अलग होगी और आप तुरंत उस बीपी को फिर से रीडिंग लेंगे तो उसका चेंज आ जाता है। तो आज हम मैनुअल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है पारा वाला, जैसे मरकरी बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, उसका आज हम बताएंगे कि किस तरह से आप घर पर मैनुअल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे किस तरह से अपन घर पर रीडिंग ले सकते हैं। तो आज मेरे साथ में है रहमान डॉक्टर साहब, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं। मैंने सोचा कि आज जो मेरे से मिलने के लिए आए हुए हैं, तो मैंने कहा कि इनसे ही आज हम बीपी इंस्ट्रूमेंट का आपको बारे में बताएं, किस तरह से हम घर पर मैनुअल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी की रीडिंग ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश साक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जो अधिकतर जो बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, या कहें कि जिसकी रीडिंग एकदम करेक्ट आती है, वो इस बीपी इंस्ट्रूमेंट से लगभग 100% सही जो है बीपी की रीडिंग आती है, और इसी को ही लगभग अधिकतर यूज़ किया जाता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में। लगभग यही बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये हमारे पास बीपी इंस्ट्रूमेंट है और ये कई ब्रांड्स के आते हैं, जिसमें मुख्यतः यूज होता है ये आप देख पा रहे होंगे, ये डायमंड ब्रांड का लगभग सबसे अच्छा माना जाता है, या इसकी सर्विस अच्छी होती है और गुणवत्ता अच्छी होती है, एवं बीपी देने में एकदम करेक्ट रीडिंग देता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इससे किस तरीके से बीपी आप घर पर चेक कर सकते हैं और किस तरीके से इससे बीपी चेक किया जाता है। तो मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब का बीपी लेके किस तरह से अपन को बीपी लेना है। तो सबसे पहले जो अपना पर इस पट्टे को लगा लेते हैं सबसे पहले, और इस तरह से ये जो मैंने आगे लगाया हुआ ना, ये सबसे नीचे ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए, क्योंकि जब तक बीच में नहीं होगा रीडिंग सही नहीं आएगी और आपको रीडिंग लेने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसको बिल्कुल टाइट कर लीजिए और ये बिल्कुल बीच में हो गया है, ठीक है। सबसे पहले एक मेथड होता है कि अपन यहाँ पे फील करके, जिसे हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, रेडियल आर्टरी से बीपी ले सकते हैं, लेकिन रेडियल आर्टरी जिसे हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं या सिस्टोलिक रीडिंग बोल सकते हैं, वो इससे ले सकते हैं, लेकिन इससे डायस्टोलिक बीपी चेक नहीं किया जा सकता। जो ऊपर वाला बीपी होता है ना, वो तो हम इसकी रीडिंग जान सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला होता है ना डायस्टोलिक, उसे हम नहीं देख सकते हैं। तो एक बार मैं लेके बताऊंगा डॉक्टर साहब का बीपी कि इस तरह से कैसे ले सकते हैं। ये देखिए, मैं यहां से धीरे 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 इसको धीरे से खोल रहा हूं मैं। तो ये क्या है, पारा नीचे जाता है और ये नीचे जा रहा है। अब मैंने यहाँ से इसको फीलिंग किया, मैंने जैसे ही इसको थंब को फीलिंग करूँगा ना, तो बिल्कुल जो पारे की जो बीट होती है ना, वो चालू हो जाती है, और जो इसकी जो थंब से जो रेडियल आर्टरी की जो बीट है ना, वो चालू हो जाती है। यहाँ से चीज चालू हो गई बिल्कुल 120 से, लेकिन ये चलती रहेगी नीचे तक। अपन इसको ये ब्रेक कर सकते हैं, जो डायस्टोलिक बीपी होता है उसको फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टोलिक जो बीपी होता है ना, उसको ही हम फील कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा मेथड होता है, इस स्टेथो से अपन बीपी चेक कर सकते हैं, जिसे है ना ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, उसके द्वारा हम बीपी रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें आर्टरी से क्या है, इससे ऊपर वाला जैसे है ना सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं और नीचे वाला डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं, दोनों तरह से हम इसको फील कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं आपको किस तरह से। सबसे पहले इसको स्टेथो को लगा लेना है और यहां पर इसको रख देना है, कर देना है। मैं बताता हूं आपको इसकी रीडिंग लेके, यहां पर अपन 200 तक कर लेते हैं इसको, ये 220 तक हो गया है,
और ये इसको धीरे धीरे पारा ये देखिए नीचे आ रहा है, और ये नीचे आ रहा है बिल्कुल, अभी मुझे फील नहीं हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल 120 जैसे ही आया ना, वैसे स्ट्रेथो से मुझे आवाज़ आने लगी है, और ये कहाँ तक आता है मैं देखता हूँ। आवाज़ जो डायस्टोलिक की आती है वो 80 तक आई मेरे को, अब यहाँ से बिल्कुल फ्री हो गया है। तो जो डॉक्टर साहब का जो बीपी है वो सिस्टोलिक है 120 और डायस्टोलिक है 80, तो इस तरह से इनका जो बीपी है वो बहुत अच्छा बीपी है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, जो बीपी लेने का जो तरीका होता है ना, वो कभी भी खड़े होकर बीपी ना लें, और अगर बीपी लेना तो इस तरह से ही जो लेवल होता है ना बीपी लेने का वो सही होता है। दूसरी बात, यदि आप कहीं से चलकर आ रहे हैं ना, तो चलकर आएंगे तो भी आपका बीपी हो सकता है बड़ा हुआ हो, तो बड़ा हुआ होने के कारण में आप बीपी लेंगे तो आप कहेंगे कि यार अभी तो बड़ा हुआ, थोड़ा सा आप रेस्ट करें उसके बाद में ही बीपी लें। थर्ड ये होता है, यदि आपको है ना यूरिन पास नहीं हो रही, या फिर यूरिन करके नहीं आए हैं, या बाथरूम करके नहीं आए ना, उसके कारण भी आपको बीपी बड़ा हुआ होता है। यदि आपको बीपी लेना है ना, उससे पहले आप टॉयलेट जरूर करें, यूरिन पास जरूर करें, जिससे कि आपका बीपी नॉर्मल आए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यदि आप बीपी ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का ही यूज़ करें, उससे क्या है बीपी सही आएगा, और राइट हैंड में अगर आप बीपी लेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस आए, इसीलिए लेफ्ट हैंड का ही बीपी लें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और यदि आपको बीपी बढ़ा रहता है तो आप सबसे पहले तली हुई चीज़ का को अवॉइड करें, नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाना है आपके लिए, कॉफ़ी नहीं लेना है, और थोड़ा सा जो मॉर्निंग वॉक होती है वो भी थोड़ा सा नियमित रूप से वॉक करें, तो खाने पीने का ध्यान रखें, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब मेरे क्लिनिक पे आए और मेरे एक वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, ये जो हमने वीडियो बनाने का, मैंने प्रथम बार ये प्रयास किया है डॉक्टर साहब के साथ में। डॉक्टर साहब के दो यूट्यूब चैनल्स हैं इस समय पर जो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं वो चैनल्स, तो मुझे आशा है कि ये जो वीडियो हमने बनाया है ब्लड प्रेशर चेक करने पर, ये आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग उससे संतुष्ट हुए होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल रह जाता है इसमें, यदि आपको कहीं पे इस या आपको इस वीडियो में कहीं थोड़ी सी कमी लगती है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको पूर्ण तरीके से देखें समझें बस, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस बीपी के बारे में और लोगों को भी जानकारी मिल सके, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके मिलने वाले में, रिश्तेदारों में, क्योंकि बीपी ऐसी चीज़ है जो फील ज़्यादा नहीं होती, जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फील होने लगती है, लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बीपी के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।